आप अपने बिजनेस के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग के तौर पे सोशल मीडिया पोस्ट डाल रहे हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हम लोग किस तरह की पोस्ट डालें या एक बेहतर ब्रांड स्थापित करने के लिए किस तरह की पोस्ट डालने की ज़रूरत पड़ती है। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे 6 ऐसे पॉइंट पे जिसको ध्यान में रख करके यदि हम अपनी ब्रांड बिल्डिंग करें सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू, तो हमारी ब्रांडिंग का एक बेहतर फॉलो मिलेगा, यानी एक बेहतर ग्रोथ मिलेगा। और ये जो मैं टेक्निक बताऊंगा, ये मोस्टली ब्रांड जो बड़े ब्रांड स्थापित हो चुके हैं उनके द्वारा अपनाया जाता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, इस वीडियो में हम लोग पूरे 6 पॉइंट पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं गुड्डू कुमार, एक डिजिटल मार्केटर एंड ट्रेनर। तो आज की टॉपिक में हम लोग शुरू करते हैं कि आखिर हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे क्या पोस्ट करें और कैसे हमारी एक बेहतर ब्रांड स्थापित हो। तो इसमें जो पहली पॉइंट आती है वो आती है सिंप्लिसिटी। कहते हैं ना कि सिंप्लिसिटी इज द की ऑफ मोस्ट ब्रांड्स, यानी आप जितने भी बड़े ब्रांड को आप देखेंगे उनके जो डिजाइंस होते हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं, उसकी जो कलर होती है तो बहुत ही सिंपल, 1-2 मैक्सिमम 3 कलर का कॉम्बिनेशन होगा, 4 कलर्स का कॉम्बिनेशन होगा। तो उनकी जो डिजाइंस होती है वो बहुत ही सिंपल होता है, और जो कहना चाह रहे हैं वो 2-3 लाइन जो की पॉइंट एक तरह से स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है उसी को वो प्रेजेंट करते हैं। तो आपकी जो भी पोस्ट बना रहे हैं उसमें एक सिंपल रखें और स्पष्ट रखें ताकि किसी को भी दिखे और आसानी से समझ जाए कि हाँ ये कहना क्या चाहते हैं। साथ ही आप जो भी पॉइंट उसमें शेयर करें तो आप बुलेट पॉइंट के तौर पे शेयर कर सकते हैं, यानी कि आप बुलेट्स में जब शेयर करते हैं पॉइंट तो वो लोगों को तुरंत समझ में आता है। तो इसके एक तो शॉर्ट हो गया आपका, सिंपल होने के लिए आपका एक बुलेट्स पॉइंट आप रखें। एक प्रॉपर विजुअल उपयोग करें, यानी कि आप जो बताना चाह रहे हैं उससे एक ग्राफिक के द्वारा प्रेजेंट किया जाए तो एक और बेहतर विजिबिलिटी बढ़ती है, लोगों की जो अट्रैक्शन है वो ग्रैप होता है उस पॉइंट पे। तो इसलिए ध्यान रखा जाए कि आपकी जो पोस्ट का डिजाइन है वो बेहतर है, सिंप्लिसिटी हो। सिंप्लिसिटी होने का मतलब शॉर्ट हो, बुलेट पॉइंट पर ध्यान दें और एक प्रॉपर कलर कॉम्बिनेशन का उपयोग करें अपने ब्रांड के लिए। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है ब्रांड पोजिशनिंग। आप जब भी आप पोस्ट डालें तो इसका खासा ख्याल रखना चाहिए कि हमारी ब्रांड की एक पोजीशन बननी है। जब ब्रांड की पोजीशन बनानी है तो आपकी अपनी एक यूनिक आइडेंटिफायर होनी चाहिए कि आप करते क्या है। अब जब आपका, जैसे मैंने पहले बात किया कि डिजाइनिंग जो होगा उसका एक यूनिक कलर कॉम्बिनेशन रहेगा, तो अब ऐसा क्या है कि जब भी आप पोस्ट डालेंगे या जो भी कंटेंट आप डालेंगे अपने सोशल मीडिया पे, तो जब भी ऑडियंस के पास पहुंचेगा तो वो बस पोस्ट देखकर ही समझ जाए कि हाँ ये इसका है। मतलब आप किसी भी हॉस्पिटल रेस्टोरेंट का आप है तो वो पोस्ट की जो कलर कॉम्बिनेशन है, डिज़ाइन है, वो एक आइडेंटिफाई, मतलब आपके जो ऑडियंस है उसके दिमाग में सेट हो जाता है। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो ब्रांड की विजिबिलिटी है, यानी कि ब्रांड की जो पोजिशनिंग है वो आपकी बढ़ते जाती है। तो ब्रांड की पोजिशनिंग को ध्यान में रख करके ही अपना पोस्ट को डिजाइन करें एवं पोस्ट करें रेगुलर। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट पे। तो तीसरी पॉइंट होती है ब्रांड स्टोरी। देखिए, सच्चाई यही है कि आप कभी भी किसी को कोई प्रोडक्ट या सर्विस नहीं बेचते हैं, अधिकांशतः केस में इमोशंस बेचे जाते हैं, और इमोशंस के पहले एक आपकी स्टोरी होती है जो इमोशंस क्रिएट करती है। तो आपकी ब्रांड की क्या स्टोरी है इसको लोगों को विजुलाइज कराना होगा। इसके लिए जैसे आप क्या कर सकते हैं, जैसे बिफोर आफ्टर आप डाल सकते हैं कि पहले हम ये थे अब ये हो गए हैं। तो बहुत सारे बिफोर एंड आफ्टर का पोस्ट आता है, आप ईयर वाइज भी लोग डालते हैं कि इस साल का ये, इस साल का ये, साल का ये, तो वो थोड़ा सा आपका ट्रस्ट बिल्ड करता है और आपकी एक ब्रांड की स्टोरी क्रिएट होते जाती है। इसके अलावे आप अपने विजन को शेयर कर सकते हैं, आप अपने मिशन को शेयर कर सकते हैं, इससे लोग जो है ना ज़्यादातर इमोशनली कनेक्ट होते हैं
और उस वो कनेक्शन और जो ट्रस्ट बिल्ड हुआ ना, वो ट्रस्ट ही आपको सेल में कन्वर्ट करता है। तो तीसरी पॉइंट ध्यान में रखनी है वो है ब्रांड स्टोरी, और ब्रांड स्टोरी को लेकर के ही आपकी जो पोस्ट है उसी के इर्द गिर्द हो तो आपकी विजिबिलिटी ज़्यादा बढ़े। अब बात कर लेते हैं चौथे पॉइंट का। तो चौथे पॉइंट पे जो कि अधिकांश ब्रांड के द्वारा उपयोग किया जाता है वो है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता। अब आप पारदर्शिता के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि लोग उनको ज़्यादा पसंद करते हैं जिनको कि कोई भी ब्रांड अपने आप को ट्रांसपेरेंसी रूप से दिखाता है। तो उसके लिए आप कर क्या सकते हो, तो सबसे पहला कि आप ध्यान रखें, सबसे पहला चीज कि आप BTS ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। BTS बोले तो बिहाइंड द सीन। जैसे यदि आप रेस्टोरेंट चलाते हैं तो रेस्टोरेंट के बिहाइंड द सीन क्या हो सकता है कि जो भी आप कुक करते बनाते हैं, जहाँ पर आपके कुक्स होते हैं, तो उस जगह का भी वीडियो आप फोटो आप डाल सकते हैं। जब सर्व किया जाता है उस समय का भी फोटो ग्राफिक्स यूज किया जा सकता है। आप जो भी है, जैसे मानकर चलिए कि आप कोई मैन्युफैक्चरर है, तो मैन्युफैक्चरर यूनिट, हालांकि सेल तो आपको प्रोडक्ट करना है, जाहिर सी बात है कि आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेल तो करना नहीं है, बट यदि आप बिहाइंड द सीन को दिखाते हैं तो लोग इमोशनली कनेक्ट होते जाते हैं, उनको ज़्यादा इंटरेस्ट होता है आपके बिजनेस में। और जब बिजनेस में इंटरेस्ट होता है, उनको पता होता है कि ये चीज़ ऐसे बनकर आ रही है, तो उनको ट्रस्ट बढ़ता है, और लास्टली ट्रस्ट ही आपको सेल में कन्वर्ट होता है। तो आपकी ट्रांसपेरेंसी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको BTS को शेयर करना होगा, यानी बिहाइंड द सीन को। इसके अलावे आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि अपने जर्नी से रिलेटेड पोस्ट डाल सकते हैं। अब जर्नी से रिलेटेड का पोस्ट मतलब ये हो गया कि जो भी आप स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं उन तमाम चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप दर्शाएं। इससे भी लोगों को ट्रस्ट बढ़ेगा और आपका एक तरह से ब्रांड की विजिबिलिटी बढ़ेगी। अब बात कर लेते हैं पांचवे पॉइंट की। तो पांचवे पॉइंट में हम लोग रखते हैं रेसिप्रोसिटी की, यानी पारस्परिक, मतलब आपकी जो पोस्ट है यानी कि आपकी जो ब्रांड है विन विन सिचुएशन को भी दर्शाए। और विन विन सिचुएशन मतलब क्या, जैसे आप कुछ फ्री भी दें। कहते हैं ना कि यदि आप कुछ ज़्यादा पाना चाहते हैं दूसरे से, तो आपको पहले उससे ज़्यादा देना होगा। टू गेट मोर फर्स्ट यू हैव टू गिव मोर। तो इस पॉइंट को लागू करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो आप कुछ फ्री भी लाए। फ्री भी मतलब बाय वन गेट वन फ्री, आप ये बहुत सारा सुने होंगे बाय टू गेट वन फ्री, या ये फलना चीज़ खरीदे तो चिल्ला उसमें फ्री हो गया। तो मतलब एक आइटम पे कोई छोटा सा आइटम आपने फ्री दे दिया। इसके अलावा आप पे क्यूज कॉन्टेस्ट रख सकते हैं। आपने कोई क्यूज पोस्ट डाला, उस पर जिसने सही जवाब दिया उसमें से जो विनर है उसको आप कुछ प्राइज दे दिए, या कुछ अमाउंट प्राइज दे दिए, कूपन दे दिया, आप जो या आप अपना ही कोई प्रोडक्ट दे दिए, तो उसमें आप ये देख सकते हैं। क्यूज भी बहुत चलता है। क्यूज में आपका ये हो सकता है कि बहुत सारे लोग पोस्ट किए, बहुत सारे लोग आपका सही दे दिए, तो उसमें जो लकी ड्रा के आधार पर कि विनर को आप चूज कीजिए और उसको डालिए, तो उससे क्या होगा कि लोग आपके सोशल मीडिया से इंगेज रहेंगे। आप सोशल मीडिया से इंगेज रहेंगे तो ऑब्वियसली है कि लास्टली वो आपके जो भी बिजनेस है, ब्रांड है, उसकी विजिबिलिटी बढ़ेगी। लोग कमेंट करेंगे फेसबुक के, इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम में, भाई उसको लाइक पसंद किया जा रहा है, तो वो ऑटोमेटिक बढ़ते जाएगी। तो फ्री भी और क्यूज कॉन्टेस्ट ये बहुत ही ज़रूरी है, ताकि विन विन सिचुएशन ये क्रिएट होता है कि अगला आपके पास कमेंट या पोस्ट कर रहा है तो उसे भी कुछ मिल रहा है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखा जा सकता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं लास्ट पॉइंट की, यानी कि छठा पॉइंट। तो छठे पॉइंट में हम लोग का जो लास्ट है वो है कि बींग मेमोरेबल, यानी कि आपके जो पोस्ट के माध्यम से आपकी ब्रांड की यादाश्त लोगों के दिमाग में बनी जाए, यानी कि आप लोगों को दिमाग में हमेशा आते रहें। अब कुछ क्या करेंगे भाई ताकि आप लोगों को दिमाग में आते रहें, याद रहे, यादगार बने रहे, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? अब यादगार बनने के लिए आप यूनिक कंटेंट आपको शेयर करना होगा। यूनिक कंटेंट बोले तो यूनिक कंटेंट यानी कुछ आपकी डिजाइन में वैसी होनी चाहिए। जैसे आप कॉमिक्स कुछ शेयर कर सकते हैं,
आप एक कॉमिक से दो बात कर रहे हैं, उसमें आपके ब्रांड की बात आ जाती है बीच में, तो उस तरह से आप शेयर कर सकते हैं। बाकी लोगों से हट करके, यूनिक का मतलब हुआ बाकी लोगों से हट करके आपका कुछ पोस्ट अलग टाइप का होना चाहिए, वीडियो कुछ अलग एनिमेटेड आप वीडियो बना ले रहे हैं। दूसरी चीज़, आपकी जो अभी मान कर चलिए कि किसी की ट्रेंडिंग टॉपिक पे चल रहा है, तो ट्रेंडिंग टॉपिक पे तो आपने पकड़ा लेकिन उसकी डिजाइन कुछ अलग तरीके से रह गई, तो यूनिक है और वो चीज़ लोगों के दिमाग में सेट कर जाता है। और दिमाग में सेट करने का मतलब होता है यूनिक, और जब उसको जब डालते हैं तो उस पर आपकी विजिबिलिटी ज़्यादा बढ़ती है। तो कुल मिलाकर के आपको मेमोरेबल बनने पर भी ध्यान रखनी है। तो ये कुल 6 पॉइंट पर यदि ध्यान रखते हुए आपकी कंटेंट क्रिएट होती है और उसको प्रॉपर पोस्ट किया जाता है, तो आपकी ऑडियंस बढ़ेगा। जब ऑडियंस बढ़ेगा तो आपकी ब्रांड भी बढ़ेगी, और ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ी तो रियल में आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। तो मेनली हमने इस वीडियो में बात की है कि आपकी जो ब्रांड है उसकी विजिबिलिटी हम कैसे बढ़ाएं, सोशल मीडिया पर क्या हम पोस्ट करें ताकि हमारी विजिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो, लोग हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज हो। क्योंकि एक ब्रांड को बेहतर बनने के लिए उसके साथ लोगों को इंगेजिंग रखने बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आई थिंक आपकी जो अपनी बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस हो या मीडियम बिजनेस हो, इसको ग्रो कराने में इन टॉपिक जरूर ही लाभ करेगा। और हमें उम्मीद है कि आप इन 6 स्टेप्स को अपनाएंगे और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। यदि आपको ये वीडियो काम के लगी तो आप इसे ज़रूर लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। और हाँ, यदि आपको लग रहा है कि कुछ हम गलतियां कर रहे हैं, हमें कुछ और बेहतर या कुछ और टिप्स सलाह एक तरह से आप देना चाहते हैं, तो हमें कमेंट देकर ज़रूर बताएंगे। आपके कमेंट का स्वागत रहेगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।